आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थे, आप नौ कक्षा पास काहे नहीं हुए कि एक बिहार एक बुद्धिजीवी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के हाथ में रहे। कि आपके पिताजी जो जानते थे, क्या आप उतना जानते हैं बिहार को? कोरोना काल में पूरा बिहार आपको खोज रहा था, आप कहाँ थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जनसभाएं जो आयोजित हो रही हैं, इसी क्रम में आपको बताते चले कि पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं बीजेपी के सांसद रवि किशन। जब हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो जनता का रुझान किसके तरफ है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार की जनता इस बार पुनः NDA की सरकार बनाएगी और 150 से सीटों से ज़्यादा NDA के खाते में आएगी। वहीं उन्होंने जब हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 11 सवाल पूछे हैं, तो उन्होंने उस पर साफ तौर पे कहा कि वो 1100 सवाल पूछ सकते हैं। जब बिहार में कोरोना थी और जनता को जरूरत थी तो क्या वो दिल्ली में क्यों रह रहे थे, और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। महादेव, हर हर महादेव, और समस्त बिहार के हाथ जोड़ के हम रवि किशन एगो निहोरा बाटे सम्मान देले बाड़ा। और लगातार कि पूरा जौन माहौल जहाँ जहाँ हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, यही लग रहा है कि आप लोग 150 से बेसी ऊपर सीट NDA सरकार को दे रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, एक मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग दोबारा उनको चौथी बार मौका दे रहे हैं। इसलिए मैं समस्त बिहार को, बिहार के देवतुल जनता को, 14 करोड़ बिहार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग दोबारा से NDA की सरकार बना रहे हैं। हर हर महादेव, आप लोगों का निर्णय बहुत सही है, आप लोग सटीक सोच रहे हैं। कि आपको पता है कि एक बिहार एक बुद्धिजीवी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के हाथ में रहे, नहीं कि कोई नया लड़का आए, कोई यंग लड़का है जो 14 करोड़ के इस देवतुल पावन धरती को, जो स्वर्ग जैसा बिहार है, उसको जो चलाया, जो सम्मान अब बिहार 15 साल में पाया है, उस सम्मान को दोबारा बिहार खोएगा नहीं, और बिहार ने बात सोच लिया। तेजस्वी यादव ने आज कुल 11 सवाल PM नरेंद्र मोदी से किए हैं। उन्होंने कहा है कि पटना गंदा शहर क्यों है, कई मेडिकल कॉलेज खुलने थे वो अब तक नहीं खुले, इस तरह के कई कुल 11 सवाल हैं। नहीं नहीं, उनका 11 सवाल हो कि 1100 सवाल हो, सवाल हो नहीं। पहली बात तो सवाल यह है कि भैया आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थे, आप नौ कक्षा पास काहे नहीं हुए? एगो सवाल यो बा, आप दिल्ली ज़्यादा रहते हैं कि बिहार ज़्यादा रहते हैं? आप बिहार को कितना जानते हैं? सवाल यो बा, आप बिहार के गरीबों को कितना जानते हैं? सवाल आपके पिताजी जो जानते थे, क्या आप उतना जानते हैं बिहार को? क्या आप अपनी बिरादरी के लिए कभी कुछ किए हैं? कोरोना काल में पूरा बिहार आपको खोज रहा था, आप कहाँ थे? तो ऐसा कितना को सवाल बिहार स्वयं तेजस्वी जी से पूछा ताड़ा। एगो हुड़दंग लोगों का भीड़ आ रहा है, उसका मुँह तो हमारे भी उसमें आ रहा है, लेकिन हमारी भीड़ जो आ रही प्रचार की बहुत आ रही है, लेकिन बड़े सम्मान से सुन रहे हैं। इनके वहाँ बांस बल्ली तोड़ रहा है, कुर्सी लोग तोड़ रहा है, तो ऐसे बहुत सवाल है। आए आपके सभा में पूछे? हमरे सभा में नहीं हुआ, हमरे सभा में सब हर हर महादेव काला, नमा पार्वती पते हर हर महादेव। आप अंतिम सवाल है से तेजस्वी यादव, जिस तरीके से कल एक सभा में माननीय मुख्यमंत्री का अगर कहें जवान चल गया, ये जिस तरह से लालू प्रसाद के परिवार पर उन्होंने क्या आप मानते हैं शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए? देखो, मैंने सुना नहीं है, हमको ये सवाल पता चला, हमने सुना नहीं व्यक्तित्व, क्योंकि हम रात को लेट पहुंचे प्रचार के बाद, लेकिन हम अपनी भाषा को संभालते हैं। हमको नहीं लगता मुख्यमंत्री जी ने किसी को ऐसा बोला, क्योंकि हमने कभी नीतीश जी को कभी गलत शब्दों का चयन या गलत शब्दों का व्यक्तित्व देते हुए नहीं देखा। पढ़े लिखे इंजीनियर व्यक्ति हैं, पूरा बिहार उनको, समस्त देश प्रेम करता है नीतीश बाबू को, नीतीश बाबू का बड़ा सम्मान है। हमको नहीं लगता कि कभी वो लूज टॉक करेंगे। कल आपने बोला था चिराग पासवान को माफ़ी मांगनी चाहिए, चिराग पासवान ने इस पर साफ तौर पर कहा है कि पहले रवि किशन जी ये बताएं कि आप बिहार को कितने तरीके से अच्छे तरीके से समझते हैं या नहीं। हम 20 साल से ज़्यादा बिहार को जानते हैं, बिहार का हम गांव-गांव, भोजपुरी का लड़ाई लड़े वाला यह रवि बा, भोजपुरी इंडस्ट्री लगाए वाला यही रवि किशन है, लाखों लोगों को रोजगार देने वाला, 8वीं अनुसूची में भोजपुरी का मांग किसी ने नहीं किया, सदन में उठाने वाला यह बात, अपन माई के बोली का लड़ाई हम कब से लड़ा थे, पूरा बिहार जाना था हमके लोग बिहारिया समझाना, ये भुला गई ना कि हम UP का ही, और हम भी स्वयं अपने आप के बिहारिया बोली ला। तेजस्वी यादव भी भोजपुरी का सहारा ले रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, जब भी भाषण होता है तो भोजपुरी में ही देते हैं, भोजपुरी पट्टी में चला चलो कनेक्ट हो पाएंगे भोजपुरी, देखा माई के बोली बा,
एकर जो भी बोला था हमको अच्छा लगा, तेजस्वी नहीं पूरा हमारे प्रधानमंत्री भी भोजपुरी बोलते हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि सब आज भोजपुरी बोल रहा है, यही मेरा सपना था कि पूरा देश भोजपुरी बोले। तो आपने सुना भाजपा के सांसद रवि किशन का साफ तौर पे कहना है कि इस बार पुनः बिहार में NDA की सरकार बनेगी और भी जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और वहीं जिस तरह से हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा में लालू परिवार पर तंज कसा था, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार किसी के बारे में भी खराब बात नहीं करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थे, आप नौ कक्षा पास काहे नहीं हुए कि एक बिहार एक बुद्धिजीवी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के हाथ में रहे। आपके पिताजी जो जानते थे, क्या आप उतना जानते हैं बिहार को? कोरोना काल में पूरा बिहार आपको खोज रहा था, आप कहाँ थे?